हम इस वक्त बाबू सर टॉप से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हैं। कल रात हम 8 बजे चले थे इस्लामाबाद से, और बारिश का एक नया साइकिल दाखिल हुआ सिस्टम में, और जिसके बाइस बारिशें जारी हैं। बाबू सर टॉप के हदूद में नारान कागान थ्रू आउट बारिशें हैं, और ये बारिशें जो है गिलगित तक बारिशें हो रही हैं, और जिसके बाइस लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और ट्रैफिक दोनों जानिब से जाम है। इसमें माल बरदार गाड़ियाँ भी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, इसके अलावा जो प्राइवेट कार्स हैं वो भी बहुत बुरी तरह से स्टक हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि लोग अपनी मदद आपके तहत ये इस सड़क को क्लियर कर ले, साफ करें, और उसके बाद से गाड़ियां पास करें। मैं अपने तमाम उन दोस्तों से जो इस सीज़न में बाबूसर टॉप की तरफ आते हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने साथ कोशिश करें कि कोई जैकेट या कोई चादर साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ मौसम का नहीं पता होता, किसी वक्त बारिश हो सकती है जिसके बाइस शदीद ठंड होती है। इस वक्त भी तकरीबन 0 के आसपास है टेम्परेचर, तो कोशिश ये करें कि जब आप बाबूसर टॉप की तरफ आते हैं तो अपने साथ कोई जैकेट रखें, कोई इस तरह की शॉल वगैरह रखें जिसके जिससे आप ख़ुद को ढक सकें। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स हैं, कारें हैं, माल बरदार गाड़ियाँ हैं, और ये बाबूसर टॉप से नीचे का रास्ता है। हम गिलगित जा रहे हैं, और अब देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या हालात हैं, वो आप दोस्तों से हम शेयर करते हैं। हम बाबूसर टॉप से चिलास की जानिब जा रहे हैं। असगर साहब हैं, बेहतरीन ड्राइविंग कर रहे हैं, मज़ा आया थ्रू आउट, और बहुत कंफर्टेबल, गाड़ी भी अच्छी है। और पीछे हमारे साथ दोस्त हैं, ये भी हंजा से हैं तीनों, और छुट्टियां मनाने जा रहे हैं गिलगित। इस वक्त मैं गिनी के इलाके में मौजूद हूँ, ये चिलास के करीब वाक़ है ये इलाका, और मेन कैकेज शाराए रेशम के ऊपर यहाँ होटल है, गिनी होटल कहलाता है ये, काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर जितने भी सयाह आते हैं यहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। तीन चार चीज़ें मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा कि हम जब नारान से आगे बाबूसर की तरफ आ रहे थे तो लैंडस्लाइड मड स्लाइड की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उस सड़क को साफ़ करने की कोशिश की और गाड़ियां पास करने की कोशिश की। NHA को चाहिए कि इस सीज़न के अंदर कम से कम 3 से 4 शॉल्स वहाँ भेजें और मुस्तकलन काम में मसरूफ़ रहें, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो लैंडस्लाइड होता है, उसके साथ साथ मिट्टी आती है, पत्थर आते हैं, तो उनकी सफाई लाजमी है, क्योंकि ये वो इलाका है नारान से लेकर के बाबूसर थक नियाट और ये नीचे चलास तक कम्युनिकेशन को कोई ज़रिया नहीं है। नारान से लेकर के इधर थक नियाट तक कोई भी फर्स्ट एड का कोई इंतज़ाम नहीं, जिसके बायस जो मुसाफिर होते हैं उनके लिए मसाइल का सामना रहता है। अमूमन देखा यह गया है कि गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, जिसके बायस लोगों की चोटें भी आती हैं, कैजुअल्टीज़ भी होती हैं, तो ऐसे में कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं है। अब ये PTA को चाहिए कि तमाम जो सेलुलर कंपनीज़ हैं वो टावर लगाएं, इसके अलावा ESCOM को चाहिए कि वहाँ पर अपने टावर्स को इस्टेब्लिश करें, ताकि नारान से लेकर बाबूसर टॉप तक एक कम्युनिकेशन का निज़ाम बहाल हो सके, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में राबता हो सके चिलास हेडक्वार्टर और नारान, तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मसला है। और फर्स्ट एड का कोई भी दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आता कि कोई अगर हादसा होता है तो किसी भी शख्स को तिबी इमदाद देने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। और साथ ही NHA को बहुत ही मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है, खुसूसन ये जो जून जुलाई का मौसम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, इन बारिशों के नतीजे में वहाँ पर लैंडस्लाइड मड स्लाइड की वजह से लोग स्टक हो जाते हैं दोनों जानिब, उसमें ख़वातीन बच्चे भी होते हैं, तो घंटों जो है वो इंतज़ार करते हैं सड़क के ऊपर, और उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता है, और जाहिर बात है वो अपनी मदद आपके तहत गाड़ियाँ वहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं।
हैं।